हाय, मैं रश्मि देवर्षी, रश्मि फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ में एक चटनी की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ मिक्सी का एक पॉट लिया है, जिसमें ये 5 से 6 आंवले हैं, जिनको मैंने अच्छे से धोकर फिर इसको छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। मिक्सी जार में इसको डाल लें। यहाँ मैंने बिना छिलके वाली मूंगफली को 10 से 15 मिनट सोख करके रख दिया था पानी में। ये टूटे हुए टुकड़े वाली मूंगफली है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है ये। ये 3 टीस्पून लेना है। दो टीस्पून रोस्टेड चना, ये तीखी हरी मिर्च है जो मैंने 6 ली है, इसमें तीखी हरी मिर्च का यूज करना है, तभी चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसको कट कर लें छोटे पीसेस में। साथ में ही 2 हरी मिर्च बिना तीखी वाली, 1 आधी टीस्पून ये अदरक बारीक कटा हुआ, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। नमक स्वाद के अनुसार ले लें। और 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड, नींबू के फूल। और 1/4 कप पानी। बाकी देख लें आप उसी हिसाब से पानी डालें जरूरत के हिसाब से, जितने में हमारी चटनी पिस जाए। और पिंच हींग। अब सभी सामग्री को अच्छे से पीस लें। अभी अच्छे से नहीं पीसी, इसमें अभी थोड़ा सा पानी और जाएगा। इतनी पूरी चटनी में 1/2 कप पानी ले लीजिए, पहले 1/4 फिर वापस से 1/4। एक बार चेक कर लें कि अच्छे से स्मूथ हुई कि नहीं चटनी हमारी। ये पीस गई है अच्छे से, इस तरह से पीसना है इसको। अब इसको बोल में ले लें। एक बार नमक जरूर टेस्ट कर लें, यदि कम लग रहा हो तो डाल सकते हैं आप इसमें। अब हमें इसमें एक तड़का देना है। इस पे 1 टीस्पून तेल लेना है। आप चाहे तो नारियल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाजार में। यहाँ मैंने रेगुलर जो यूज करती हूँ मैं ऑयल, उसी को लिया है मैंने। इसको गर्म होने दें अच्छे से। सबसे पहले पिंच हींग ऑयल में डालें, 1/2 टीस्पून राई के दाने मस्टर्ड सीड, और 1/2 टीस्पून धुली उड़द की दाल। यह
यहाँ मैंने दो सूखी लाल मिर्च ली हैं, जिनको मैंने टुकड़े कर लिए हैं टुकड़े में। और 10 से 12 करी पत्ते, मीठा नीम, अब ये बघार हम चटनी में लगा दें। लीजिए हमारी पीनट आंवला चटनी रेडी है। इसे आप सैंडविच के साथ, इडली के साथ, स्टीम इडली, राइस या रोटी के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व करें। और इसे 1 से 2 दिन ही आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रेश ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, टेस्टी भी लगती है और अच्छा भी होता है इसका टेस्ट। तो चलिए रेसिपी बनाकर देखें। थैंक यू। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करें।